छुट्टी जमात गई थी उसमें हमारे बेंगलुरु के हाजी अहमद हुसैन रहमतुल्लाह ने उनके बेटे कल बयान करी नहीं मौली साहब ने उनके बाबा जमात गई है ऑस्ट्रेलिया सिडनी शहर वहां का बड़ा शहर है जैसे हमारा बंबई दिल्ली वहां कोई मस्जिद नहीं एक मस्जिद नहीं एक इस्लामिक सेंटर था जो मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होता था जैसे होते हैं यहाँ कोई छुपाने की जगह थी वहां जाकर ठहरे वो जुम्मा जुम्मा बोलता था और जो एम्बेसियां हैं मुल्कों की उनमें जो काम करने वाले हैं वो जुम्मा पढ़ने के लिए वहां आते थे और पढ़कर भागते थे जरा बैठो भाई जरा बात सुनो नहीं हजरत हमें जॉब को जाना ड्यूटी से आए ड्यूटी भी जाना वापस टाइम नहीं हमारे पास तो जहां टंग आ गई अमीर साहब को बोले हजरत चलो कोशिश भी दूसरे मुल्क को जाइए यहां काम नहीं होता कोई मस्जिद नहीं कोई मुसलमान आता नहीं हमें किसी को जानते नहीं किसके पास जाना मालूम नहीं जुमा जुमा को आती है भाग जाती तो चलो किसी और मुल्क को जाइए लेकिन अमीर साहब इस्तेकामत वाले थे इस्तेकामत वाले कि हालात से घबराना नहीं हालात से घबराना नहीं उन्होंने जमात को समझाया देखो एक तरकीब है मेरी कल से उस तरह का कोशिश करके देखेंगे वो तरकीब से काम करके देखेंगे तो क्या तरकीब उन्होंने बताई जैसे तो ये सामने रेलवे स्टेशन है जो सिटी के अंदर चलती है ना ट्रेन बेंगलुरु में है ना मेट्रो मेट्रो ऐसा सिटी के अंदर एक ट्रेन चलती है उसका ये स्टेशन है सामने वहां जाके प्लेटफॉर्म पर चादर बिछा के बैठ जाएंगे तालीम करेंगे वहां तो बहुत साफ सुथरे होते हैं प्लेटफॉर्म तो चादर बिछा के वहां बैठ जाएंगे तालीम करेंगे और जब ट्रेन आएगी रुकेगी तो बिखर कर तालीम बंद करके बिखर कर एक एक डब्बे के सामने एक एक आदमी खड़ा हो जाएगा और जो उतर रहे हैं वो डब्बों से उनकी आंखों में आंखें डाल के कहेंगे अस्सलाम वालेकुम जोर से बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम तो मुसलमान होगा तो क्या करेगा वो वालेकुम सलाम बोलेगा उसे क्यों पकड़ लेंगे आप अखिलेश बात कर देंगे तो हमें हिंदुस्तान को मिला के आपके पास बिठा लेंगे उसको समझा लेंगे इस तरह तबलीग का काम शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया और आज वहां सिडनी में 150 पर चार मस्जिदें हैं मैं अभी जा गया हूं 3 महीने पहले कहते हैं 150 पर चार कहते थे एक भी नहीं कहते थे भाई एक भी नहीं ये सब तबलीग का फल है बाग लगाया इन लोगों ने मेहनत करके बाग लगाया हम देख ले गया रास्ते में सुपारी के दरख्ता कैसे बागा लगी होता है सीधे सीधे दरख्ता सुपारी के नहीं सुपारी के छोर रास्ते में ही ना ठीक है हाँ लगाने वाले कितनी मेहनत से लगाए आज उसका फल कौन खा रहा है हमें खा रहे उसके बाद हम गए यूरोप पुर्तगाल ये गोवा है ना उसके ऊपर पुर्तगाल का ही कब्जा था लिस्बन तो वहां यूरोप के 28 मुल्क जमा हुए थे कहते हैं 28 जिन मुल्कों में तबलीग का काम हो रहा है तो उन मुल्कों में तबलीग का काम करने वाले जमा हुए थे जैसे आज तुम्हारे यहां जमा हो गए ना पूरा दावणगिरी जिले वाले कौन कौन से बस्ती आ गई है जरा बोलो नामा हरपन हंडी जबलूर मल्लेजनूर हरिहर दावणगिरा पैसा रवे गांव के रवे पोनवा फ्रांस जर्मनी इटली स्विट्जरलैंड पोलैंड हॉलैंड 28 मुल्क और 28 मुल्कों ने कारगुजारी सुनाई जैसे अभी जोर से पहले आप लोगों ने सुनाई ना कारगुजारी तुम्हारी तुम्हारी बस्तियों में कैसे काम हो रहा है
कैसे उन लोगों ने अपने मुल्कों में कैसे काम हो रहा है सरगुजरी में। फिर आप लोगों ने बैठ के असाइन किया ना टाइम पर हम ये करेंगे, तो वैसे वो मुल्कों वाले 28 मुल्क वाले असाइन करते थे। फिर हम गए कैनेडा, वहां 10,000 का मजमा। फिर गए हम अमेरिका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है कि वहां पहले पहले जमाने में कोई मरगा तो फिर को मरिया तो आइतवार तक इंतजार करना, मुर्दा मुर्दा भी दफन, ठीक है। तो कौन भी आपको नमाज जाना पड़ता तो दफन करने वाला मिलता नहीं। किस्मत का मारा उसे पीर को बहुत इतो हो गवाते लोग संडे नमाज जनाजा पढ़ना गवाते हैं, या सुबह को आ जाता दोपहर को आ जाती। तो उन्हें पीर को बदकिस्मती से भर गा तो उसका नमाज जनाजा पढ़ाने हजरत छुट्टी मिलती सो आइतवार कुछ हमें आइतवार को आपको नमाज पढ़ा को इसे दफन करती, तब तक इसे आइस रूम में रखो। वो अस्पताल में आइस रूम में मुर्दे रखते नहीं, ऐसा शहर। पूछते थे वहां लोग हजरत जुम्मा की नमाज आइतवार को पढ़ सकती, हमको आइतवार भी टाइम मिलता सो हमें जुम्मा की नमाज आइतवार को पढ़ सकती। और आज अल्लाह का फजल है मस्जिदों में दो दो तीन तीन मरतबा जुम्मा होती है। क्यों की भाई वो जगह नहीं है सबके वास्ते, एक बार एक साथ जगह नहीं है, दो बार 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे ऐसा दो दो तीन तीन बार जुम्मा होती है। गांव वाले बोलते थे हमें जुम्मा इतवार को पड़ती है, ये सब तकलीफ की बरकत है। 10,000 7,000 का मजमा था न्यूयॉर्क में, 10,000 का मजमा था कनाडा मॉन्ट्रियल में। न्यूयॉर्क में एक जमात आई थी मक्के मुकर्रमा से, उसमें एक हमारे बुजुर्ग थे, उनका एक बेटा भी उनके साथ था। वो बेटा कहने लगा मैं मगरिब की अजान देता हूँ, ठीक है। तो उसने मगरिब की अजान दी, ऐसा लग रहा था कि हम मक्का पहुंच गए। उसने बिल्कुल ऐसे अजान दी जैसे मक्के की अजान होती है। तो मैंने मोबाइला में ही वो लाइव अजान ही, उसने ऐसी अजान दी जैसे मक्के में होती अजान। तो झूम गए हम, भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि न्यूयॉर्क में कहां की अजान मक्के वाला कह रहा है सो मोबाइल कह रहा है सो हमें। हम झूम गए कि भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम मक्का पहुंच गए। तो अल्लाह ने ये सारी मेहनत चढ़ाई है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा इन मुल्कों में जो काम उठा है तबलीग का, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारे वो नौजवान है जो हिंदुस्तान से पढ़ के वो उनको मिल गए, यहां पढ़े हिंदुस्तान अपने मुल्कों में पढ़े और हमारे मुल्कों में पढ़कर वो मुख्तलिफ कामों पर वहां जाके उन्होंने और आगे की तालीम एडवांस स्टडीज की आला तालीम हासिल की, मुख्तलिफ जॉब्स पर हैं, लेकिन उनका ताल्लुक मस्जिद से तबलीग से है। वो जाके मस्जिदों से जुड़े और उन्होंने मेहनत को उठाया, इंतजाम सारा इज्तिमा था, जैसे आप लोगों ने जमीन साफ की, ये सब लगाए, खाना खिला रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, ये सारा काम हमारे वो नौजवान कर रहे हैं जो यहाँ से पढ़ के गए, यहाँ तबलीग में उनका ताल्लुक हुआ, वहां जाकर अल्लाह ने उनको मुल्कों में उनसे अल्लाह ने काम लिया और काम वो ले रहा है और अल्लाह ने उनसे हाथों वहां काम उठाया। इसलिए कहते हैं इन नौजवानों पर मेहनत करो, अल्लाह इनसे काम लेगा, इनसे काम अल्लाह उठाएगा। इनको छुट्टियों में जमातों में लेके जाओ, इनको मस्जिदों से जोड़ो और इनकी तालीम की रियायत के साथ इनसे काम लो, तालीम छोड़ा कर नहीं, उसकी रियायत कर दो। इनको पूरा लंबे मशवरे में मत बिठाओ, पहले इनका मामला हमारे यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ईशा के बाद मशवरा होता है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर लेक्चरर्स टीचर्स भी हैं, तो मशवरा होता है, तो मशवरे में वो लोग पहले
स्टूडेंट्स को उम्र लेते हैं भाई, तलबा से क्या उम्र है लाओ भाई। जब तलबा के उम्र 10-15 मिनट में पूरे हो जाते हैं उसके बाद उनको बोलते हैं तलबा जा सकते हैं, हम पर फैसला चलता रहेगा, तलबा फौज में जा सकते, जो जाओ उनको पढ़ना है। लेकिन आज अल्लाह उन्हीं से काम ले रहा है, कोई नौजवानों को पूछे तो तू क्या बात कर रहा है, देखो भाई कंप्यूटर इंजीनियर है, तू क्या बात करता है, भाई सिविल इंजीनियर है, तू क्या बात करता है। एक शहर है डेट्रॉइट, वहां एक वहां कार के फैक्ट्री आई, बड़े बड़े कार के फैक्ट्री आई, दुनिया की पहली कार फोर्ड, उसकी मेन ऑफिस वहीं है डेट्रॉइट में। एक नौजवान को तू क्या करता है, तो बोला मैं फोर्ड कंपनी में वो इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार डिजाइन कर रहा हूं, मैं डिजाइनर इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार डिजाइन करता हूँ, देखे तो मौजूद सब कुछ खरीदता हूँ, जूपा पहन ले को, पैजामा पहन ले को, टोपी पहन ले को, तो क्या मैं करता है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार डिजाइन करता करता हूँ। ये नौजवान है जो इसे अल्लाह पाक वाणी का काम दे रहा है, इन मुल्कों में ऑस्ट्रेलिया में अमरीका में कनाडा में इन नौजवानों से अल्लाह काम दे रहा है, देख के दिल खुश होता है। चार इज्तम थे अमेरिका में, एक दूसरा शिकागो में था, शिकागो ऐसा शहर है कि वहां थोड़ी से ज्यादा गुंडों की है, गैंग से गैंग लगते हैं वो। उस जगह पर जाकर हमारे लोगों ने एक बसेरा किया, तुम्हारे गांव की तरह गांव बसाया होना शहर में, एक बहुत बड़ा हाल बिक रहा था वो खरीद लिया, वहां जुमा होती है, बाजू में एक मदरसा एक स्कूल है, उसके बाजू में मस्जिद है, पांच वक्त की नमाज जुम्मा यहाँ। वो स्कूल वालों से मैं मिला तो कहने लगे हमारे स्कूल में 18 मुल्कों के बच्चे पढ़ते हैं, कितने मुसलमानों का स्कूल, मुसलमानों का स्कूल, स्कूल की तालीम वहां राजी में है, लेकिन साथ साथ ये दीनियात पढ़ाते हैं स्कूल में, दीनियात पढ़ाते हैं, मकतब की तालीम देते हैं, और लड़की के लड़कों की क्लास अलग, लड़कियों की क्लास अलग, लड़कों को लड़के पढ़ाते हैं, लड़कियों को औरतें पढ़ाते हैं। पहले हमारे बच्चे गैरों के स्कूलों में पढ़ते थे, अब गैरों के बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो बोले 18 मुल्कों के यहां बच्चे हैं और गरीबों के बच्चे हैं, खाने को नहीं, वो फीस का देंगे नहीं, अमेरिका में सब मालदार नहीं है, बहुत गरीब भी हैं, तो वो क्या फीस देंगे, तो हम चंदा करके उनकी फीस देते हैं, उनको पढ़ाते हैं। 18 मुल्कों के बच्चे, ये बच्चे 18 मुल्कों में जाके तबलीग पढ़े, अक्सर अफ्रीका के जो लोग हैं उनके बच्चे हैं, तो वो मस्जिद मदरसा सब चीज उसमें इज्तिमा हुआ, वहां वहां की हुकूमत इतना खुश हुई लोगों के इस इंतजाम से, मस्जिद है मदरसा है स्कूल है, 18 मुल्कों के बच्चे पढ़ते हैं, और ये सारा मोहल्ला जो है वो इतना अमन है कि वहां ये कोई झगड़ा नहीं होता, नहीं होता तो हुकूमत ने उस गली का नाम रखा है नूर मोहम्मद रोड। अरे कहां जे अमरीका में शिकागो में, और उसका नाम रखा है उन्होंने नूर मोहम्मद रोड। तो मेरे भाइयों यही हमारा पैगाम है कि देखो तबलीग का पैगाम यह है कि भाइयों सब कुछ दुनिया को मत दो, सब कुछ दुनिया को मत दो, जिंदगी लगा दी दुनिया के लिए, जान लगा दी दुनिया के लिए, जिंदगी लगा दी दुनिया के लिए, जान लगा दी दुनिया के लिए, जवानी लगा दी दुनिया के लिए, अकल समझ सब कुछ दुनिया के लिए लगा दिया तो दुनिया सफल हट जाएगा। अपनी दुनिया से आखिरत बनाओ, अपनी दुनिया से अपना दीन बनाओ, तो तबलीग में ये कहते भाई देखो मैं अमेरिका में भी उनको यही तीन बातें सिखा के आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से तो कर रहे हैं, जो नया मजबूत इश्तिमा में आया उनको भी मैंने ये तीन बातें बताई, वो तो अंग्रेजी वाले, मैं अंग्रेजी बोलता था, मैंने कहा तीन बातें उर्दू की सीख लो,
तो मैं कोई उर्दू वाले तो मैं भी तीन सिटी हूँ, मैं बोल तो फिर भी बोले रोजाना माहाना सालाना बोलो क्या करना क्या करना रोजाना अढ़ाई घंटे कहता रोजाना अढ़ाई घंटे सालाना तीन दिन तो माहाना तीन दिन सालाना चिल्ला अल्लाह तो भी मैं चार महीने के लिए भूलता हूँ लेकिन कम से कम इतना करो रोजाना बोलो सालाना क्या मिलेगा अरे ये करेंगे तो क्या मिलेगा एक के दस मिलेंगे कहते एक के दस ये बड़े बड़े दुकानों में बोला लगा प्रति बाय वन गेट वन फ्री तुम्हारे है दावन गिरा था क्या बोल सकते हो ये खरीदे तो एक फ्री तो अल्लाह मियां बोलता है एक खरीदे तो नौ फ्री कहते एक खरीदे तो नौ फ्री अरे ऐसा कोई देने वाला है अरे ऐसा कोई देने वाला है कि एक खरीदे तो नौ फ्री दे दे तो हम अगर दसवां लगाएंगे तो अल्लाह उसका सवाब देगा नौ दस में का एक लगाए अल्लाह सवाब ऐसा देगा दो या पूरे दस में लगाए अढ़ाई घंटे लगाए सवाब मिलेगा पूरा दिन लगाने का ये दसवां है दिन का चौबीस घंटे का दसवां अढ़ाई घंटे लगाए सवाब मिलेगा पूरा दिन लगाने का तीन दिन लगाए सवाब मिलेगा पूरा महीना लगाने का चिल्ला लगाया सवाब मिलेगा पूरा साल तबलीग में फिरता रहा बाकी सब करे सब कुकुट के तो भाई ये है तबलीग का पैगाम। अब तुम्हें वापस गए तो पूछ नहीं क्या भाई वो रहीम नगर में क्या कि बड़ा अच्छा इस्तीफा हुआ कहते ना क्या हुआ अच्छा हुआ भाई बहुत क्या भाई अच्छा हुआ अरे अच्छे बयाना हो रही क्या भाई हो सब बयाना अरे करती बोल रही अच्छे बयाना हो रहे समझाओ भाई वहां तीन बातें बोले हमें भी इरादे करके आए क्या क्या तीन बातें क्या तीन बातें तो समझाओ रोजाना किसी नमाज के बाद तालीम करना घर में भी करना इससे घर में दीन आएगा बस आने वाली नस्लें दीनदार बनेंगी दीन की दाई बनेंगी तो रोजाना किसी नमाज के बाद तालीम करना किसी एक नमाज के बाद मशवरा करना और किसी एक नमाज के बाद घर घर जाकर भाइयों से मुलाकातें करके उनको अल्लाह के रास्ते में भी निकालना उनको अपने मुकाम पर भी तबीयत के काम में जोड़ना दिन के काम में जोड़ना ये है रोजाना डायग्राम तो करेंगे भाई सब इंशाल्लाह हाँ तीन दिन लगाएंगे अल्लाह सवाब देगा पूरा महीना लगाने का नहीं भाइयों को तैयार करके उनको तीन दिन में लेकर जाना इंशाल्लाह वही तीन चिले लगाएंगे वही तीन चिले वही मुल्कों में आने वाले बनेंगे वही हमारे मुकाम पर हमारी मस्जिद की जमात पे हमारा साथ देने वाले बने इसके लिए नए नए भाइयों को तीन दिन तैयार करके लेके जाए तीन दिन हर महीना लगाएंगे तो इंशाल्लाह साल में चिल्ला भी लगाएंगे और अल्लाह हिम्मत देगा चार महीने भी लगाएंगे अल्लाह उसत देगा मुल्कों में जाएंगे नहीं पैदल जमातों में घूमेंगे ये भी करना वो भी करना तो सब तैयार है इसके लिए कर सब कुछ दुनिया को नहीं देना है सब कुछ दुनिया को नहीं देना है जिंदगी दुनिया को दे दी जवानी दुनिया को दे दी अकल समाज जो कुछ अल्लाह की दी हुई सब दुनिया के लिए लगा दी जान लगा दी माल लगा दिया दुनिया से खाली हाथ गए हम तैयार नहीं है इसके लिए तो तबलीग का दावत क्या है अरे भाई कम से कम दस हिस्से करके नौ हिस्से तुम्हारे कारोबार मुलाजिमत बीवी बच्चे घर बार व्यापार मजदूरी मुलाजिमत खेती बाड़ी जो तुम्हारे काम है नौ हिस्से उसको दे दो एक हिस्सा टीम को दे दो वो नौ हिस्से काम नहीं आएंगे ये एक हिस्सा काम आएगा जन्नत तक साथ देगा तो करेंगे ना सब इंशाल्लाह से भाई मैंने दौर से पहले लिखाए हैं आपको बोल पड़ता है अब ये नियत करके बैठ कि हमारे नाम है अमान में
रोजाना